देखो यार ये पूरा पूरा का पूरा पुल टूट चुका है और कोई इस पे ध्यान नहीं। तीनों मिलके ना ये भैया को फुसला रहे हैं इडली वाला। गाइस हवा किधर आया? फन से अपार्टमेंट है। सारे के सारे सरकारी नौकरी वालों को मिलेगा यार, हम लोग को तो मिल ही नहीं पाएगा। एक गाड़ी का 15 और दूसरे गाड़ी का 15, टोटल 30। और बाल भी कैसे हो गए यार, थोड़ा स्पीड में आया ना। तो फिलहाल अभी वाटर बोर्ड के अंदर हम लोग जा ही रहे हैं अंदर, और यहाँ से शायद स्टार्ट है, अंदर ही जाएंगे। और क्या क्या है, फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ, पूरा ब्लॉग में देखने को मिलेंगे आपको। देखो बूम, यही है वाटर बोर्ड भाई, जो कि एक पिकनिक स्थल है और काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं यार। पूरा एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, फिल्ले थोड़ा सा। और पहाड़ के साइड में ब्यूटीफुल देखने में लगता है। कुंदना स्टाइल मार रहा है यार, देखो पूरा एकदम, क्या ही बता यार। और पता है इसकी खूबसूरती क्या है, मेरे नजरों से, मेरे दोनों आंखों के नजरों से इसकी खूबसूरती यही है कि पानी थोड़ा बहुत गंदा है साइड साइड में। अब बीच का अंदर का बात तो बता नहीं सकता, लेकिन और इसकी खूबसूरती देख लो। सबसे पहले आप ये देख लो, ये है पारसनाथ, और इसके नीचे छोटा माउंटेन। और इसकी खूबसूरती यही है कि चारों तरफ से ये हरा भरा है, और उसी कारण से यार पानी पानी का भी जो है ना कलर ग्रीनी दिखता है और काफी ज्यादा अच्छा है यार। मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने मेरे घर के तकरीबन 17-18-20 किलोमीटर सामने है, और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। टाइम बच गया था, जो रामराज मंदिर वाला है ना, वहाँ से आते आते थोड़ा टाइम बच गया था, इसीलिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ जो कि काफ़ी मस्त देखने में लग रहा है। और यहाँ पे स्पेशल लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं 1 जनवरी, और जब भी पिकनिक स्टार्ट होता है वहाँ मनाने आते हैं ये लोग। और देख सकते हो, फिर से एक बैक कैमरे में दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मस्त है। और भाई DSLR किस लिए है यार, DSLR फोटो शूट के लिए है, तो अभी थोड़ा सा फोटो भी शूट करेंगे और तकरीबन 5-10 मिनट घूमेंगे, उसके बाद घर निकलना पड़ेगा क्योंकि काम भी हो जाएगा। और हम लोग ब्लॉगिंग के लिए सुबह ही निकले। और हाँ यार, इस ब्लॉग में भी मैं बताता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, जितना भी ज़्यादा हो सके ना सपोर्ट करो यार, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं ना, कसम से मज़ा आ जाएगा भाई। सब्सक्राइब करो चाहे ना करो यार, लेकिन इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो कि दिल गार्डन गार्डन हो जाए और खुश भी हो जाए। हमारे साथ हमारे कुंदन जी अपना ब्लॉग का शूट कर रहे थे। तो गाइस भाई को सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो और घंटा दबा दो यार सब्सक्राइब करके। तो अभी फिलहाल हम लोग शूट करते हैं थोड़ा बहुत। गाइस मैं बता दूं कि ये है टपचाची वाटर लेक यार। यहाँ पे आने के बाद पॉजिटिव वाइब्स आती है, बिकॉज आप पूछोगे क्यों, तो मैं बता दूं यार। अब पीछे का व्यू दिखाओ अब एक बार पहले। या देखो यार, जो यहाँ पे माउंटेन्स है ना भाई, माउंटेन्स यहाँ से दिखता है पारसनाथ हिल हमारा पहला, ठीक है। दूसरा दिखता है तो चाची वाला हिल, एंड गाइस थर्ड वन। अब यार पूरा पहाड़ी से घिरा हुआ ये वादियों का शहर है गिरिडीह। और हमारे अनिल के ब्लॉग्स वहाँ पे कुछ खा रहे हो लोग भाई, वो लोग खाने पीने में ध्यान देते हैं और हम लोग तो अभी फिलहाल ब्लॉग बनाएंगे। पहले खाएंगे उसके बाद ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि सुबह से खाए नहीं। अनिल भाई हमारे लिए कुछ ले दिए तो वही खाते, आप लोग को दिखाते पीछे से। गाइस लो, ये लोग बताए कुछ, रुको हम समझ गए ये तीनों मिल के ना ये भैया को फुसला रहे हैं इडली वाला, देख सकते हैं। हम समझ गए तुम लोग फुसला रहे हो ना भाई, फुसला लो। चना दाल का चटनी है यार, काफी अमेजिंग बनाते हैं। आप जब भी आए यहाँ इनके हाथ से जरूर खाए यार, जरूर इडली खाइएगा। और भैया आप इधर ही रहते हैं ना, वादियों का आप इधर ही, चलिए फिर से मुलाकात तो होता ही रहेगा। देख सकते हैं यार काफी अमेजिंग वाला टेस्ट आ रहा है, थोड़ा सा खा के खुशबू तो जबरदस्त है। देख सकते हैं इधर, देख सकते हैं धनिया पाउडर आ गया इसमें। पहले भाई इसको देखो यार, कितना स्मार्ट लग रहा है अनिल भाई, देखो। एंड आ गया गाइस अभी मिर्ची, तो और भी मजा। अभी ब्लॉग शूट नहीं कर रहा है, अभी इसका भी ब्लॉग स्टार्ट होगा यार। कितना जूम करके दिखा रहा है, कोलकाता हरियरपुर, कोलकाता हरियरपुर जिधर से हम लोग आए हैं।
निमिया निमिया घाट निमिया अभी डुल्लू माता घूम के आया उधर से। देखो यहाँ पे क्या लिखा यार कुछ देखो। ये आप कब से करते आ रहे अंकल? बहुत दिन से। तो यहाँ पे पूरा बीच में चल जाइए, पूरा बीच में पूरा चल जाइएगा। और ये डंटा कहाँ लेके जा रहे हो? डंटा अच्छा, हमको लगा सांप उप मारिएगा वो डंटा से कहा। देख सकते हैं गाइस अंकल के हाथ में एक डंटा, उसी में बैठेंगे अंकल। एंड उसमें शायद जाल है ना, उसमें जाल है। तो देख सकते इस तरह से कुछ अंकल चले गए। अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे वाटरफॉल है, थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत झरना टाइप में पानी गिरता है ऊपर से, ठीक है। वहाँ पे दिखा रहे हैं आपको सबसे सुंदर चीज दिखा रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक है, आप लोग देखो। और कितना खूबसूरत सा है यार, और पता है ऊपर से नीचे देख रहा हूँ ना तो डरा जैसा लग रहा है, डरान जैसा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा यार। मेरा तो फर्स्ट टाइम है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस ठीक ठाक ही रहा। और यहाँ से जो एकदम सबसे मस्त मुझे एक चीज़ ही लगा इस डैम में, जो नीचे यहाँ से नीचे पानी गिरता है ना, काफ़ी ज़्यादा मस्त है। बैठे थे काफ़ी ज़्यादा मस्त है। एक वही चीज़ मुझे यार सबसे ज़्यादा अच्छा लगा देखने में। कह रहे हैं नीलर कुछ चलना, थोड़ा चारों का रास्ता है, 4 किलोमीटर है अभी। और ये हम लोग एंट्री साइड से आए हैं, और अगर हम लोग पूरा उधर से घूम के जाएंगे ना, पूरा उधर घूमेंगे इस डैम को, जो भी है तालाब है या डैम हम लोग घूमेंगे ना, तो ये तकरीबन 4 किलोमीटर है, ठीक है। हमारा खाली लिखा हुआ था वहाँ पे 4 किलोमीटर है। और रास्ता थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं यार, सेकेंड हैंड रास्ता है, जिससे कि मोबाइल देखो कितना फोन ही सेफ होता होगा, तुम लोग को खुद देख सकते हो। इस कारण से यार मुझे फोन अपने जेब में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही शूट करना पड़ेगा। पानी भरा लाने आप इधर से आती है, पानी भर गया ना। हाँ, तो पानी मतलब सारा का सारा पानी इधर ही से आता है। ओ भाई इतने से छोटे से मैं सारा का सारा पानी वहाँ पे जाके भरता है मेरे ख्याल से, और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ। और कहीं से आता होगा तो मुझे पता नहीं है भाई, पहले बता रहा हूँ यार, अब कमेंट में मत बता देना क्या वगैरह बता दो, ठीक है। देखो यार ये पूरा का पूरा पुल टूट चुका है और कोई इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा यार। भाई हमारे झारखंड की सरकार क्या करके आ रही है यार, जहाँ पे हम लोग घूमने आते हैं वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की बात है यार। ऐसा गार्डन है, शायद सुनने में आ रहा है कि छोटा सा गार्डन है, वहां पे बताया कि उधर भी एक गार्डन है जाके घूम लो, जहाँ पे हम लोग खा रहे थे वो भैया बताए। तो फिलहाल अभी हम लोग जस्ट गार्डन पहुंचने वाले हैं, और झरना तो आप लोगों को दिखाई दिया, झरना है नहीं एक्चुअली, उधर से पानी बह के आता है और यहाँ पे जमा हो जाता है। आ गया गार्डन, यही है गार्डन। और गार्डन कोई खास है नहीं, हाँ गार्डन कोई खास है नहीं, सिर्फ बैठने के लिए इधर है, लोग जो भी यहाँ पे घूमने आते हैं यहाँ पे बैठ सकते हो, खा सकते हो, और अब काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो यार। फैमिली भी आते हैं घूमने के लिए, फैमिली के लिए ठीक ठाक ही है घूमने के लिए, और अभी फ़िलहाल उतना भीड़ भाड़ तो नहीं है इधर, लेकिन जो आसपास के लोग हैं आते हैं और घूमते हैं। भीड़ तब होता है यार जब दिसंबर स्टार्ट होता है, जब जनवरी स्टार्ट होता है, जब पिकनिक मनाने लोग जाते हैं ना कहीं बाहर, और उस टाइम इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है ना कि पूछो मत, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाता है यार, जाता ही नहीं हूँ। और यहाँ पे फिलहाल आ रहा था जब रामराज मंदिर से, तो अनिल भाई कुंदन और अनिल सारे के सारे बोलो चलो घूम लेते हैं, तो मैंने बोला चलो यार ब्लॉग भी बन ही जाएगा। तो और आज का ब्लॉग दोनों का दोनों कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ
अगर आपने यार रामराज मंदिर वाला ब्लॉग नहीं देखा तो वो भी जाके जरूर देखना, क्योंकि यार भगवान के मंदिर को देखोगे ना तो काफी ज्यादा पुण्य भी मिलेगा। एक यहाँ ब्लॉग कर रहा है, एक यहाँ पे बैठा है और एक यहाँ पे क्या कर रहा पता नहीं। जो झरना मैंने वहां से दिखाया था आपको, और अभी वही झरना मैं सामने से दिखाऊंगा नीचे से, तो बताना कौन सा सबसे मस्त दिख रहा था, ऊपर से नीचे वाला दिख रहा था या फिर नीचे से ऊपर वाला दिख रहा था। हाँ, कमेंट जरूर करना। और अनिल से वहाँ से, और हवा जो है ना यार, हवा काफी ज्यादा ठंडा भी है यहाँ पे, काफी ज्यादा ठंडा भी है और इतना ज्यादा हवा है कि यार आपस में उड़ के जो होते हैं ना छोटे छोटे आ जा रहा है इधर यार, और हवा इतना तेज है ना यार कि आपको ना एसी की जरूरत पड़ेगी और ना पंखे की जरूरत पड़ेगी। देख लो एक बार और पूरा बैक कैमरे से दिखाता हूँ, काफी ज्यादा मजा आता है देखने में। और पता है यहाँ पे गर्म हवा आ रहा है, गर्म हवा भी आ रहा है, ठंडा हवा भी आ रहा है, देख लो। अबे भाई पानी तो यार काफी ज्यादा ठंडा है, लेकिन हवा गर्म क्यों आता है यार? हवा यहाँ से गर्मी हवा आ रहा है और काफी तेज में हवा आ रहा है, और झरने की आवाज भी सुन रहे होंगे, काफी तेज से पानी नीचे गिर रहा है, जो कि आवाज बहुत ही लाउडली है यार, लाउडली काफी ज्यादा लाउडली बुला रहा है। वहाँ पे ना चारों तरफ से पता है कैसा हवा चल रहा था, कभी ठंडा हवा आ रहा है, कभी गर्म हवा आ रहा है, कभी ठंडा हवा आ रहा है, कभी गर्म हवा आ रहा है, और मैंने तो यार हद ही कर दिया, मैंने झरना में यार आउट ऑफ कंट्रोल हो गया खुशी, तो मैं झरना के पास भी चला गया, और झरना के पास गया तो भाई थोड़ा सा नुकसान हो गया यार, नुकसान मैंने जान के किया है, मेरा जूता भी भींग गया और थोड़ा पैंट भी भींग गया यार, देख लो। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि अगर कमेंट करोगे तभी यार गोवा मतलब अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे देखने को, और कमेंट तो जरूर करना यार, और हाँ अगर आए हो तो आना एक बार और तभी तो मज़ा आएगा, अगर नहीं आए तो फिर भी आना, अगर आए हो पहले भी तो आना, नहीं आए हो तो फिर भी आना, क्योंकि यार मज़ा जिंदगी का मज़ा तो इसी में है यार। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू। Bye-bye.